बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बशर। आज मैं आपको डेढ़ मरला मकान की तफसीली लागत कितनी है वो बताऊंगा। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में मैंने आपको इसका नक्शा बता दिया, अगर आप चाहते हैं कि आप इसका नक्शा भी देखें तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो पहले नंबर पर है सीमेंट। सीमेंट की 360 बोरियाँ आपकी लगेंगी और 550 रुपये फी बोरी के हिसाब से सीमेंट की आपकी कास्ट बनेगी 1,98,000 रुपये। नंबर दो पे है टर्माइट ट्रीटमेंट, दिमक मारने वाला केमिकल, ये आपका लगेगा तकरीबन 2.5 लीटर और फी लीटर 2,500 रुपये के हिसाब से ये आपका बनेगा 6,250 रुपये का। नंबर तीन पे है ब्रिक पेलास्ट, ईंटों वाला रोड़ा या बज्जर, ये फाउंडेशन में और फर्श के नीचे जो डाला जाता है ये आपका लगेगा 400 क्यूबिक फिट और 40 रुपये फी क्यूबिक फिट के हिसाब से ये आपका बनेगा 16,000 रुपये का। नंबर चार फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, दर्जा अव्वल की ईंटें आपने इस्तेमाल करनी है, ये आपकी लगेंगी तकरीबन 23,500 और फी ईंट तकरीबन 11.5 रुपये की मिलती है, तो ईंटों की आपकी जो अमाउंट है वह बनेगी 2,70,250 रुपये। नंबर पाँच कोर्स सैंड मोटी रेत, मोटी रेत आपकी लगेगी 800 क्यूबिक फिट, ये आपने आरसीसी के कामों में और प्लास्टर में इस्तेमाल होगी, ये आपकी बनेगी 35 रुपये फी क्यूबिक फिट के हिसाब से 28,000 रुपये की। नंबर सिक्स फाइन सैंड बारीक रेत, ये आपकी लगेगी 800 क्यूबिक फिट, ये पीसीसी कच्चा जो हम फर्श करते हैं और चुनाई में इस्तेमाल होगी, ये आपकी लगेगी 15 रुपये फी क्यूबिक फिट के हिसाब से 12,000 रुपये की। नंबर सात सैंड फॉर फिलिंग, बर्ती डालने वाली रेत यानी कि रेतली मट्टी, ये आपकी लगेगी 600 क्यूबिक फिट, ये आपकी बुनियादों में और फर्श के नीचे जो है वो डाली जाएगी, ये 15 रुपये फी क्यूबिक फिट के हिसाब से 9,000 रुपये की ये लगेगी। नंबर एट क्रश बजरी, ये आपने हाफ इंच डाउन ग्रेडेड क्रश जो है बजरी इस्तेमाल करनी है, ये आपकी लगेगी 1100 क्यूबिक फिट और 80 रुपये फी क्यूबिक फिट के हिसाब से ये आपकी बनेगी 88,000 रुपये की। नंबर नाइन रीइंफोर्समेंट स्टील सरिया, सरिया आपने ग्रेड 40 या ग्रेड 60 का ही इस्तेमाल करना है, ये आपका लगेगा 3,200 किलोग्राम और फी किलो 108 रुपये के हिसाब से ये आपका लगेगा 3,45,600 रुपये का। नंबर दस बाइंडिंग वायर, सरिया बांधने के लिए जो तार इस्तेमाल की जाती है ये आपकी लगेगी 30 किलोग्राम और फी किलो 150 रुपये के हिसाब से ये आपकी बनेगी 4,500 रुपये की। नंबर 11 पॉलीथीन शीट, प्लास्टिक शीट जो छत पर डाली जाती है मोटी शीट, ये आपकी लगेगी 750 मुरब्बा फिट और फी मुरब्बा फिट 3 रुपये के हिसाब से ये आपकी बनेगी 2,250 रुपये की। नंबर 12 चकनी मट्टी मड, ये आपकी लगेगी 250 क्यूबिक फिट और 15 रुपये फी क्यूबिक फिट के हिसाब से ये आपकी बनती है 3,750 रुपये की। नंबर 13 भट्टे वाली टाइल, ये आपकी लगेंगी 1,350 और फी टाइल तकरीबन 9 रुपये की मिलती है, तो भट्टे वाली टाइल आपकी बनेगी 12,150 रुपये की। इस तरह आपकी जो टोटल मटेरियल की लागत है वो बनती है 9,96,000 रुपये और टोटल मजदूरी की लागत बनती है 3,20,000 रुपये। तो इन दोनों को अगर मिलाएं तो आपकी टोटल ग्रे स्ट्रक्चर कास्ट बनती है 13,16,000 रुपये। इसमें तकरीबन 1,00,000 रुपये आप बिजली और प्लम्बिंग के जो काम है, जो पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं वो आप ऐड कर लें, तो इसमें उसकी मटेरियल और मजदूरी दोनों शामिल हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो और मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।